अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को थोड़ा सा पावर पॉइंट का आइडिया दूं कि पावर पॉइंट पे आप कैसे अपनी कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं। क्यों ये आइडिया क्यों मेरे माइंड में आया कि ये एक चीज़ है जो आप लोग सीख सकते हैं और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है एज की, कि जी से बच्चों को ही ज़रूरत है इसकी या बड़ों को ही है या उनको ही है जो जॉब्स करते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत हर किसी को है। हर बंदे को ही कंप्यूटर के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, लिटरेट इतना होना चाहिए कि हमें जो बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए। और मज़े की बात ये है, आप मोबाइल ले लें, लैपटॉप्स ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, कुछ भी ले लें, कि ये बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरीज हैं। आपको इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इनके एक्सपर्ट्स हमें नहीं चाहिए, हमें इनकी टीचर्स नहीं चाहिए, बट ये है कि अगर आप इसको खुद से भी खोल लेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो वो आपको खुद ही गाइड करना शुरू कर देगा। मुझे याद है बहुत पहले ऐसा है कि आपको किसी भी स्किल को सीखने के लिए उसके एक्सपर्ट की ही ज़रूरत रहती थी, बट अब तो इतनी ज़्यादा एक्सेस हो गई है हर बंदे की नेट के साथ, गूगल जिंदाबाद, कि आपको कुछ भी सीखना हो तो आप गूगल में उसको लिख सकते हैं, आपको उसकी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे, आपको उसके बारे में बहुत डिटेल जो है पता चल जाएगी और आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो हम पावर पॉइंट पे आज स्लाइड्स बनाना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आज आपको चीज़ें सिखाऊंगी, सिर्फ थोड़ी एक दो बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन रूल्स बताऊंगी। पहला रूल है जी किस, मतलब कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कोशिश करें कि जब भी आप कोई स्लाइड बनाएं या प्रेजेंटेशन बनाएं, बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें उसको। रंग भी डाले हुए हैं, पिक्चर्स भी डाली हुई हैं, टेक्स्ट भी डाला हुआ है, इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है अगले बंदे का वो उससे ख़त्म हो जाएगा। और ये खाली प्रेजेंटेशन का नहीं, ये लाइफ में आप हर जगह का ही रूल बना लें कि जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अच्छा, सेकंड क्या है, फियर। हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक खौफ सा आ जाता है, मैं तो ये नहीं कर सकती, नहीं यार मैं कंप्यूटर तो नहीं सीख सकती, नहीं अब मेरी एज हो गई है, अब मैंने कहाँ कंप्यूटर सीखना, या अभी मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं क्यों सीखूं। अगर आप इस खौफ को बिठा लेंगे तो फिर आप वाकई कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो इसलिए पहले आपको ये चीज़ करना है कि यार हर दूसरा बंदा बना रहा है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। आप यकीन माने, जब आप इस सोच के साथ खोलेंगे अपनी कोई भी चीज़, तो आप देखेंगे कि वाकई ये चीज़ें इतनी आसान हैं कि आप कहेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं सीख ली। या अच्छा, और अगर आप किसी से अपना काम कराते हैं तो आप ज़रूर एक मिनट के लिए रियलाइज़ करेंगे कि ये इतना सा काम था जो मैं लोगों से करा के पेमेंट भी देता था और लोग अक्सर बातें भी सुना देते थे कि मैंने तो पूरी रात लगा दी है खाली इस काम को करने के लिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। अच्छा, और तीसरा ये है कि ये मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाने लगे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और टीचर को प्रेजेंट करनी है आपने कोई स्लाइड बनाकर, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ आपका कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ की कोई असाइनमेंट है, अगर आप जॉब करते हैं और आपने किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, हमेशा आपका जो जिसको आपने देनी है, लाइक आपने अपनी टीचर को देनी है, प्रोफेसर को देनी है, किसी कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है या आप अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, आप हमेशा उसकी पर्सनैलिटी को माइंड में रखें कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर आपके जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी स्लाइड्स में कलर्स को डाल दें। अगर आपको लगता है कि अच्छा ये थोड़ा सा पिक्टोरियल को पसंद करते हैं तो आप पिक्चर्स डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं ये इनको ये है कि टू द पॉइंट बात हो बस ऐसे हो, तो आप उस तरह रखें, उससे भी आपकी चीज़ जो है बड़ी जल्दी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है हर बंदा मुझसे अग्री ना करे, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो थ्री रूल्स जो आपने याद रखने हैं, फर्स्ट इज़ किस, कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। सेकेंड इज़ फियर, इसको तो ख़त्म ही कर दें हर चीज़ से, ज़िंदगी में हर चीज़ से जो ये खौफ का आंसर है इसको तो निकाल दें। और थर्ड है, जिसको आपने चीज़ सबमिट करानी है उसकी पर्सनैलिटी को अपने माइंड में रखें। तो चलें लेट्स स्टार्ट।